que ondas mi pecho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu... Hey guys, welcome to my channel Shiva's Life. तो कैसे हो आप लोग? बहुत दिन बाद आज आप लोगों से मिल रही हूँ. करीबन 3-4 days हो गया है आप लोगों से नहीं मिलते हुए. एक्चुअली में मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं था. आप लोगों को तो पता है मैंने रीज़न बताया था किस लिए. एक दो दिन तीन दिन तक मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था उसकी वजह से. सो इसके लिए मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, कोई मेकअप शूट नहीं कर पाई, कोई कुकिंग रेसिपी शूट नहीं कर पाई. वैसे मैंने 2-3 रेसिपी बना के रखा है, शूट करके रखा है, बट मैं अपलोड नहीं कर पाई. सॉरी यार, एडिटिंग करने में टाइम लगता है, सो एडिटिंग नहीं हो पाया मुझसे. तबीयत ठीक सा नहीं लग रहा था और कुछ मूड भी सही नहीं है यार. मेरा फैमिली और थोड़ा बढ़ जाने से मैं शेयर करती मेरा मूड क्यों ठीक नहीं है. बट अभी फैमिली बहुत हम लोग का छोटा है. जो हम लोग का शिवा लाइफ जो फैमिली है वो थोड़ा छोटा है. वो थोड़ा बड़ा हो जाता तो मैं शेयर करती. और आप लोगों का लाख लाख शुक्र और आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा और मेरा 145 कुछ हो गया है सब्सक्राइबर्स. आप लोगों का सब आप लोगों के लिए हुआ. आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो नहीं हो पाता. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच. सो मुझे एक किसी ने रिक्वेस्ट किया है मेरे सब्सक्राइबर्स में कि मैं मेकअप लुक शेयर करूँ आप लोगों से. तो वो है निशा खान. तो निशा खान ने बोला है कि मैं फिर से मेकअप लुक देखना चाहती है वो. तो मैं उनके रिक्वेस्ट से ये मेकअप लुक शूट करती हूँ, शूट कर रही हूँ. और अगर आप लोगों को और कुछ देखने का दिल कर रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा मेरे साथ. अगर मुझसे हो सके तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. और क्या बोल रही थी, चलिए शूट करना, मेकअप करना शुरू करते हैं क्या? और कैसे हो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा. और अगर आपको हम लोग मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और सब्सक्राइब में नोटिफिकेशन बेल आता है, उसको प्लीज़ क्लिक कीजिएगा. तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगी तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा. और चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए मैं मेकअप शुरू करती हूँ. आ जाइए. तो मैंने इधर कंसीलर ले लिया है, मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया. मैंने ले लिया है कंसीलर, उससे मैं कंसीलर ख़त्म हो गया यार, इसके लिए ऐसे करके लगाना पड़ रहा है. कंसीलर करके आइज़ के ऊपर नीचे मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से. ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा यूज़ करने से पहले गीला करके उसको एकदम पानी उसका निचोड़ के सुखा के फिर यूज़ करना होता है, तो बहुत अच्छा से ब्लेंड होता है. नहीं तो मेकअप पूरा ऑब्जर्व कर लेता है, वो खींच लेता है अपने अंदर. सो मैंने इतना अच्छा से ब्लेंड कर दिया है. अब मैं फाउंडेशन थोड़ा मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन लेके मैं पूरा फेस में लगा लूँगी, फिर ब्यूटी ब्लेंडर से उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. इधर मैंने पहले पूरा फेस में नहीं लगाया, आई में लगाया है, क्योंकि मैं आई में का फर्स्ट करूँगी. फिर मैंने फाउंडेशन के बाद मैं लूज पाउडर से सेट करूंगी और कॉम्पैक्ट से सेट करूंगी. मैं अच्छे से सेट कर लूंगी. ये लूज पाउडर मैंने घर पे ही बनाया था, मेरा एक कॉम्पैक्ट टूट गया था और मैंने वो कौन सा पाउडर मैं कल बताऊंगी आपको, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है. चलिए मैंने आई शेडो स्टार्ट कर दी हूँ. सो मैं इधर ग्रीन आई शेडो मैट पिक करके उसको मैं आई लिड पे लगा रही हूँ. अच्छा से इसको स्मोक आउट करूँगी, अच्छा से ब्लेंड करूँगी इसको.
दोनों आईलिड पे अच्छे से लगा लूँगी। ये मैट ग्रीन कलर है, ये शायद किसका है, मिस रोज का है ये आई शेडो पैलेट। तो इसका ग्रीन कलर पिक करके मैं अच्छे से आईलिड पे लगा लूँगी। अब मैं ये लाइट मेहंदी जैसा कलर जो है ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन, उसको लेके मैं इसको ब्लेंड करूँगी, इसका एजेस को ब्लेंड करूँगी। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट नहीं है ये, दोनों ग्रीन को थोड़ा मिक्स करके कलर अलग निखर के आता है इसमें। देख रहे हैं आप, मैं एजेस को अच्छा से ब्लेंड कर रही हूँ, जैसे कुछ हार्श लाइन ना दिखे, इसलिए बहुत अच्छे से मैं बहुत देर तक ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं ये थोड़ा सा ग्लिटरी शेड है ग्रीन का, उसको लेके मैं पिक करके उसको भी इसके ऊपर आईलिड के ऊपर डैब डैब करके लगा रही हूँ। जैसे कलर इनहेंस हो, कलर और भी खुल के आए, और एजेस को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं ये ब्राउन शेड लेके मैं ये ग्रीन के एजेस को मैं अच्छा से ब्लेंड करूंगी, जैसे कोई हार्श लाइन ना दिखे। अच्छे से मैं ब्लेंड करूंगी, बहुत देर तक मैं आई शेडो को ब्लेंड करती हूँ यहाँ पे। अब मैं ये बर्ड्स लेके जो एक्स्ट्रा इधर उधर लगा हुआ है उसको साफ कर रही हूँ। अब ये ग्रीन कलर जो मैंने फर्स्ट पिक करा था उसको लेके मैं आईज के नीचे वाटर लाइन में भी मैं लगा लूँगी। मैंने वाटर लाइन में भी अच्छे से लगा लूँगी। मेरे कल रात को ना मेरी आँख में मैंने उंगली डाल दिया था गलती से नींद में, तो मेरे आँख से बहुत आंसू निकले थे। तो ना मैं आई को टच करने से, आई मेरा आज बहुत सेंसिटिव था, तो बहुत पानी निकल रहा था आई से, आँख से बहुत पानी निकल रहा था, तो आई शेडो मेरा पिघल रहा था पूरा। बहुत तकलीफ़ से मैंने आज आई मेकअप करा है, बहुत आँख से आंसू निकले जा रहा था। अब मैंने ब्लेंड कर दिया थोड़ा बहुत जो ग्रीन कलर मैंने लगाया नीचे आई शेडो। आई मेकअप में यार बहुत टाइम लग जाता है। अब मैं स्टे क्विकी का आईलाइनर, मेरा फेवरेट, लेकिन मैंने इसको ऑफ कैमरा लगाया क्योंकि मैं मेरे अलमारी के सामने मैं ज़्यादा अच्छे से लगा सकती हूँ। तो मैं ये स्टे क्विकी का काजल बैड एस, उससे मैं वाटर लाइन में थोड़ा सा फिल कर लूँगी काजल को। देखिए मेरा आँख कैसा रेड रेड दिख रहा है, ये कल आँख रात से मेरा सेंसिटिव होकर रखा है, बहुत आंसू निकल रहा था, आपको दिखाई देगा अभी थोड़ा थोड़ा आंसू का ड्रॉप। देख रहे हैं आप, वाइट वाइट निकल रहा है। मैंने इधर साफ कर लिया है, अब ये ब्राउन शेड लेके मैं कॉन्टोर करूँगी, कॉन्डर को अच्छे से ब्लेंड करूंगी। मेरे पास अलग से कॉन्टोर पैलेट नहीं है, इसके लिए मैं ब्राउन आई शेडो से कर लेती हूँ कॉन्टोर।
मेरा चीक ज़्यादा फूले फूले है, तो इसके लिए मुझे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है एक शेप लाने के लिए। अब मैंने ब्लश लेके भरपूर ब्लश लगाऊंगी, जो मेरा फेवरेट है सबसे मेकअप में, मस्काराज और ब्लश। ब्लश थोड़ा ज़्यादा हो गया था इस आज का मेकअप में मेरे, वैसे मैं ब्लश थोड़ा ज़्यादा ही लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा नोज़ में भी लगा लिया। कॉन्टोर के साथ मैं पूरा ब्लश को एक साथ स्मज करूँगी, जैसे कॉन्टोर अलग से कुछ हार्श लाइन ना दिखे, दोनों के साथ स्मज कर दूँगी। थोड़ा सा हाइलाइटर लेके हाइलाइट कर लूँगी अपने चीक बोन पर, थोड़ा नोज पर, थोड़ा फोरहेड पर, थोड़ा लिप में, थोड़ा लोअर लिप में, चिन एरिया में। मैंने थोड़ा हाईलाइट कर लिया है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब मैं आई शेडो से, ब्राउन और ब्लैक आई शेडो से मैं आईब्रो को ब्रश करके आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आईब्रो को अच्छे से मैं फिल कर लूँगी इधर। फिर मैं आई शेडो को मैं अच्छे से फिल करके मेरे आईब्रो को मैं ब्रश कर ले रही हूँ। देख रहे हैं आप, मेरा आईब्रो नेचुरल लग रहा है। और मैं इधर क्या कर रही हूँ, वही थोड़ा ये लगा रही हूँ, वो हाइलाइटर लगा रही हूँ थोड़ा। अब मैं ये ब्राउन शेड पिक करके नोज़ को कट करके नोज़ को शेप लाऊँगी। वैसे नोज़ मेरे शेप में ही है, बट फिर भी थोड़ा सा नोज़ को शेप में लाऊँगी। अब ये ब्रॉन्ज़र लेके मेरे जो डबल चिन है उसको थोड़ा सा छुपाने की कोशिश। अब ये कलर मैं शैम्पेन कलर जो मेरा आई शेडो है उसको पिक करके मैं ये ब्रो बोन में लगा रही हूँ। हाइलाइटर लगाने से क्या ज़्यादा डार्क, ज़्यादा हार्श कलर दिखता है, वाइट वाइट सा, इसके लिए मैं ये शैम्पेन कलर लगा रही हूँ। अब मैं ये शैम्पेन कलर पिक करके आईज़ के कॉर्नर में भी थोड़ा थोड़ा सा लगा ले रही हूँ, जैसे आईज़ मेरा डिफाइन लगे, अच्छा लगे और भी। अब मैं मेरा फेवरेट पार्ट, मेरा मस्कारा, बहुत सारा लेयर, 5-6 लेयर, जितना आपको दिल करे लगाते जाइए मैं तो 5-6 लेयर लगाती हूँ। अपर आई लैश में, लोअर आई लैश में अच्छे से लगा लूँगी मस्कारा को मैं। अच्छा से मैं मस्कारा को अप्लाई कर लूँगी। बहुत टाइम लगता है यार मेकअप में, बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा से मैं मस्कारा अप्लाई कर लिया है। अब मैं न्यूट सा कलर लेके लगा ले रही हूँ, जो मेरा फेवरेट कलर है लिपस्टिक का। ये मेरे स्किन के साथ बहुत जाता है अच्छा से, सो मैं ये अप्लाई कर ले रही हूँ। अब मैं थोड़ा हेयर खोल के नॉटिंग की कर रही हूँ थोड़ा सा पोज मार रही हूँ, आप लोग देखिए कैसा लग रहा है।
ओ इधर मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड लगाना भूल गई थी जो नोज़ को और भी अच्छे से डिफाइन करता है। सो इधर मैं थोड़ा नोटिंग की कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं फिर। हे गाइस, तो ये मेकअप लुक क्रिएट करने में टाइम लगता है यार, और मेहनत भी लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो मेरा मेकअप, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक्स कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स भी कीजिएगा आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। तो चलिए आज वीडियो मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। चलिए खुदा हाफिज़, बाय।